नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबीलाई मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं बालाजी के पवित्र धाम सालासर में। यह धाम राजस्थान के जिला चूरू में स्थित है। यहां पर भारी मेला आयोजित हो गया है, पूर्णिमा मेला यहां पर आयोजित हुआ। सालासर धाम में पिछले 15 दिनों में 7.5 लाख श्रद्धालुओं ने माथा टेका, जिनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर राजस्थान पुलिस के 1000 जवान तैनात किए गए थे। हनुमान सेवा समिति द्वारा यहां पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही पंजाब से आई संस्थाओं द्वारा यहां पर भंडारे आयोजित किए गए थे। जिस प्रकार से मंदिर को यहां पर सजाया गया है, भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु उपस्थित हैं। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। क्या कहेंगे आज के मेले के बारे में? बालाजी महाराज की अति विशेष कृपा रही कि इतनी ज्यादा भीड़ होने के बावजूद भी यात्रियों ने और पुजारी परिवार ने और सालासर धाम ने पूरा सहयोग किया, जिसके फलस्वरूप आज मेला अच्छी तरह से संपन्न हो गया। कितने यात्री आए होंगे इस बार? ऐसे तो भीड़ पहले नवरात्र से स्टार्ट हो गई थी, मगर दशहरा से लेकर पूनम तक मेरे हिसाब से 6 से 7 लाख लोगों ने दर्शन किए होंगे। किस तरह की इस बार व्यवस्था थी? कोई नई चीज की हो, पिछले सालों से कुछ हटके किया हो? हनुमान सेवा समिति, इस चीज में मैं प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सी चीजें नई की और यात्रियों की सुविधाओं के लिए उन्होंने बहुत से इंतजाम किए, जिसके फलस्वरूप यह मेला बड़ी सुख शांति से निकला। जी, आपका नाम क्या है? नवीन पुजारी, मंदिर प्रबंधक कमेटी सालासर बालाजी। सालासर धाम में मेला चल रहा है। श्री हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदा नंदन पुजारी जी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे अभी आपको मिलवाने जा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह की व्यवस्था इस बार बनाई गई है। मेले की संपूर्ण व्यवस्था हनुमान सेवा समिति द्वारा संचालित है और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सारी व्यवस्थाएं माकूल थी। इस बार करीबन 1000 पुलिस के जवान थे, 200 हमारे पास पुलिस के हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड थे और पुलिस थाने के सामने से हम लोगों ने 6 किलोमीटर की जिगजैग लाइन बनाई हुई थी। जे पाइप की हमारे पास लाइन है, हर 100 मीटर पे हम लोगों ने वो ब्लॉक बना रखे थे। ब्लॉक के अंदर सारी व्यवस्थाएं थी, उसमें लेडीज जेंट्स के लिए यूरिनल की व्यवस्थाएं थी और वहां पे पानी के पाउच थे, चाय बिस्किट की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने दानदाता के सहयोग से कर रखी थी और जितने भी यात्री हैं।
नया क्या किया गया सालासर धाम में इस बार? नया क्या था? का जो मेला है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नयापन है। इस मेले के अंदर पूरा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर भारत से कुछ प्रमुख सिटियों से लोग आते हैं और इतने लोग इकट्ठे होके हैं फर्स्ट नवरात्रा से लेके और पूर्णिमा तक करीबन 7.5 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं, तो ये अपने आप में कुछ नया ही है। बिना विघ्न के बालाजी महाराज ने ये मेला संपन्न करवाया है, इसलिए मैं सभी पूरे प्रशासन को, पूरे मीडिया को, पूरी मेडिकल टीम को, सिक्कर और चूरू की प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ हनुमान सेवा समिति और बालाजी मंदिर के द्वारा। मेडिकल सेवाएं इस बार किस तरह की थी मेले में? उच्च स्तरीय मेडिकल सेवाएं थे। माननीय कलेक्टर साहब ने निर्देश किए थे CMHO को, 4 जगह हमने मेडिकल कैंप लगा रखे थे, सब जगह सारी व्यवस्थाएं थी। और इस मेले की विशेष बात है कि दानदाता ने जहाँ से यात्री पैदल आता है वहाँ से सारे भंडारे लगा रखे थे, वहाँ हर भंडारे के अंदर मेडिकल कैंप की व्यवस्थाएं की गई है और सभी यात्रियों यहाँ आराम से बिना विघ्न बालाजी महाराज के दर्शन करके अपने स्थान पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। के अध्यक्ष यशोदानंद पुजारी जो हमें जानकारी दे रहे थे, इनका कहना है कि इस बार 7.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर माता टेकने पहुँचे थे। पूरे रूप से व्यवस्था की गई थी, 1000 पुलिस के जवान इनके द्वारा तैनात किए गए थे। हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे चैनल।